अधेरक आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कटरा जम्मू मेन रोड है और यहाँ पर सड़क जाम करके जो रोहित दुबे सपोर्टर्स हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर बैठ चुके हैं और रोहित दुबे अभी संबोधित करेंगे, साथ में पवन देव सिंह जी भी हैं। जयकारा शेरावाली दा, सब तो पहले सारे साथियों ना, मैं भैया भैया बाकी सारे बड़े सारे सारे साथियों ना धन्यवाद कर रहा, जेके तुसी इधर आए मेरे वास्ते गल रखी है। देखो कुदरे कुदरे निराशा सारे जी, ठीक है, लेकिन 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 इधर तक जिधर अस पुजे वो भी असें संगठन ने पुजाया है। प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे, उन्होंने साड़ी गल सुनी है, उन्हें आख्या कल दोपहरी तक अस तुसी जम्मू भी बुला के दिखने किश के होई सकदा, नहीं दे जो तो सारे साथी आ के मैं थोड़े कन्ने है, ये जंग कट्ठे लड़गे ये आश्वासन है, लेकिन संगठन ने असी इत तक पजाया है तो कल तक प्लीज वेट करो तो रोड खोल लो। थोड़ा सारा धन्यवाद, जय माता दी। आपका निर्णय जो होगा आपका होगा, नहीं आपका जो निर्णय होगा आपका होगा, नहीं हमारा नहीं, जो आपका निर्णय होगा वो हमारा निर्णय होगा। संगठन का फैसला उसका कार्यकर्ताओं का फैसला, जो आप सब बोलोगे वही होगा, नहीं अभी जो निर्णय होगा हमारा वही निर्णय, ठीक है ठीक है ठीक है ना, वो कह रहे कल दोपहर फैसला बदलना पूरा पार्टी का। अगर अयोध्या हारी है तो कटरा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी हारेगी, ठीक है, आप लोगों का प्यार है, लेकिन जैसे अध्यक्ष जी ने बोला है कि सीनियर लीडर भी दिल्ली से आ रहे हैं, वो शाम को या कल बुलाएंगे, तब तक इंतजार करते हैं, उसके बाद जो होगा सबकी सर्व सहमति से होगा। वजह तो पूछनी चाहिए थी ना इनसे कि इन्होंने टिकट काटी, पूछा मैंने उनको वजह पूछा, पूछा एक ही नॉमिनेशन क्यों गए, एक ही नॉमिनेशन है, उन्होंने पूछा पर अभी रोड को खोल दो, ये अच्छा एग्जांपल नहीं जाता है, आपका प्यार है पर रोड खोल दो क्योंकि काफी यात्री फंसे हुए हैं, रोड को खोल दो, ठीक है भैया, ठीक है, हम अंदर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं। तो यहाँ पर रोहित दुबे अपने सपोर्टर्स को कहते हुए कि कटरा जम्मू मार्ग पर आप जो बैठे हुए हैं, जो सड़क बंद की है, उसे जल्द से जल्द खोल दें और जो फैसला सपोर्टर्स का होगा वही उनका होगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि अगर यहां तक पहुंचे हैं वो भी संगठन ने पहुंचाया है और एक दो दिन में वो जम्मू जाएंगे। और जो रविंदर रैना जी ने कहा है, देखिए जी सबसे पहले आप साथियों को और आप सभी दर्शकों को जय माता दी। देखिए कहीं ना कहीं जहां हम अभी तक पहुंचे हैं ये सब संगठन का ही हमें हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, दायित्व है, जो हमारे पास आज जिम्मेदारियां हैं वो भी संगठन की ही दी हुई हैं, तो संगठन का मैं पहले तो धन्यवाद करता हूं। वो जिस तरह सभी कार्यकर्ता मेरे लिए खड़े हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं, पर एक बात मैं सबको कहना चाहूंगा कि जो संगठन का फैसला है वो हमें मानना चाहिए, पर जिस तरह एक लिस्ट पहले आई फिर मालूम नहीं कि वो लिस्ट कहाँ से चेंज हो गई, अध्यक्ष जी आज उसी के लिए आए, अभी मेरी अध्यक्ष जी से बात नहीं हुई है, अभी अंदर आए ही हैं, उन्होंने बोला कि पहले रोड खुलवा दो फिर अंदर बैठ के बात करते हैं, किस कारण नाम बदला गया अभी इसकी मेरे को जानकारी नहीं है, अंदर जाके प्रदेश अध्यक्ष से बात करूंगा, जैसे ही मुझे मालूम चलेगा आपके पास पक्का बात रखूंगा। देखिए मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होता, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आज मैं जिला अध्यक्ष हूँ वो मुझे संगठन ने ही जिम्मेदारी दी है और उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह बदलाव हुआ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, पूरी कोशिश करूंगा कि जो फैसला है उस पर सब मेरे साथी सब कार्यकर्ता माने, पर आगे क्या होगा मैं इसके लिए अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, आप इंडिपेंडेंट लड़िए तो क्या आप लड़ेंगे, इन पर सब कहना बहुत जल्दबाजी होगी। थैंक यू।